East Harris County के Timber Ridge Apartments में 7:30 AM High Level Felony Charges के वारंट सर्व करते हुए दो पुलिस कांस्टेबल्स पर फायर ओपन किया गया। पुलिस ऑफिसर्स यूनिट के साथ पहुंचे। सस्पेक्ट की गर्लफ्रेंड ने डोर पर आंसर किया और सस्पेक्ट ने डायरेक्ट फायर ओपन कर दिया। दोनों पुलिस कांस्टेबल्स वैंस और जेफरी मेमोरियल हरमन हॉस्पिटल शिफ्ट किए गए। जेफरी को लाइफ फ्लाइट के जरिए और वैंस को एम्बुलेंस के जरिए हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया, लेकिन जेफरी सरवाइव ना कर सका और वैंस अंडर ऑब्जर्वेशन है। ह्यूस्टन मेयर सिल्वेस्टर टर्नर और पुलिस चीफ ट्रॉय फिनर ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मेयर ने कहा कि पुलिस ऑफिसर्स नहीं जानते थे कि वो क्या फेस करने जा रहे हैं जब वो आज सुबह घर से निकले। वर्क इज इनहेरेंटली डेंजरस एंड यू नेवर नो, पुलिस ऑफिसर्स नेवर नो व्हाट दे आर गोइंग टू फेस व्हेन दे लीव देयर होम्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ देयर ड्यूटी। इट इज इनहेरेंटली डेंजरस। So I want to lift both of these families. I'm going to ask the city of Houston to pray for both families, pray for the Jeffrey family, and then pray for the... Police Chief Troy Finner ne kaha ke ye do constables HPD Major Offenders Unit ke saath high-level felony arrest warrant serve karne gaye the. Suspect immediately bahar aaya aur officers par fire open kiya. Narcotics warrant, and we'll get more deeper into the investigation. I mean, it's still active out there in the scene, but... He was wanted on some narcotic charges. They were there to execute a high level felony warrant. So major offenders typically will run the most serious warrants there are. So these are the most serious offenders in our community. So all I know is they were executing a very serious high level felony warrant. Police officials ne bataya ki suspect jisne fire khola wo 31 year old African American hai. और जिसकी आइडेंटिटी उसकी फैमिली की प्राइवेसी को मेंटेन करने के लिए डिस्क्लोज नहीं की जाएगी। फायरिंग के वक्त सस्पेक्ट की गर्लफ्रेंड और एक बच्चा भी अपार्टमेंट में मौजूद थे। हैरिस काउंटी में आज होने वाले शूटिंग इंसिडेंट में एक पुलिस ऑफिसर जान की बाजी हारा जबकि दूसरा क्रिटिकल कंडीशन में हॉस्पिटल में एडमिट है, लेकिन इस इंसिडेंट के बाद भी पुलिस का मोराल हाई होना इनक्रेडिबल है। मदीहा मसूद, NTV, ह्यूस्टन।